मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन दौरे के तीसरे दिन भी दुनिया भर के कई निवेशकों के साथ बैठकों का दौर जारी रहा। गुरुवार को लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड सरकार द्वारा दो कंपनियों के साथ 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए गए, जिसमें आगर टेक्नोलॉजी के साथ 2,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। आगर टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट्स में निवेश की सहमति जताई और फिर्रा बार्सिलोना के साथ 1,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। लंदन में मुख्यमंत्री धामी की बैठकों का दौर जारी। ब्रिटेन में कई निवेशकों के साथ की बैठकें, तीसरे दिन 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU किया साइन। आगर टेक्नोलॉजी के साथ 2,000 करोड़ का MOU साइन किया। फिर्रा बार्सिलोना के साथ 1,000 करोड़ का MOU साइन किया। इस माई ट्रिप के साथ भी हुए 2 MOU साइन। OTA बनाए जाने को लेकर बनी सहमति। पर्यटन के लिए विश्व में उत्तराखंड का प्रमोशन करने पर भी बनी सहमति। बता दें कि फिर्रा बार्सिलोना यूरोप का प्रतिष्ठित ग्रुप है, जो कि कन्वेंशन सेंटर और इवेंट्स मैनेजमेंट में काम करता है। ये विश्व स्तरीय बिजनेस फेयर कराने की दक्षता रखते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने MOU में साइन किए। इसके अतिरिक्त इस माई ट्रिप के साथ भी 2 MOU साइन किए गए। इसमें राज्य समर्थित OTA यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर बनाए जाने और पर्यटन के लिए विश्व में उत्तराखंड का प्रमोशन करने पर इस माई ट्रिप ने सहमति दी है। दरअसल इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा समेत प्रतिनिधि मंडल के अन्य पद अधिकारी एवं निवेशक मौजूद रहे। उत्तराखंड से स्टेट है अवनीश जैन की रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम। मैं इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज जिस प्रकार का मैंने यहां पर आप सब लोगों का जुड़ाव, आज भी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में आप सब लोग ने जन्म लिया है, उसको यहाँ भी आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है। आप हिमालय की तरह अडिग हैं और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का आत्मीय भाव, जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आप सब लोग उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हमारे देश दुनिया के अंदर, विदेशों में, इंग्लैंड में, लंदन में, अनेकों स्थानों पर, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आप जितना भी उत्तराखंड के लिए करेंगे, मैं समझता हूं वो अधिकतम करेंगे। और मैं फिर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अभिभूत हूँ और बहुत भावुक करने वाला क्षण था जिस प्रकार से आपने अपने अपनी संस्कृति से, वाद्य यंत्रों से, माताओं बहनों ने जिस प्रकार से रोली चंदन से यहाँ पहुँचने पर आत्मीय भाव से हम सबके साथ अपना व्यवहार किया है, जिस प्रकार से आत्मीय भाव से यहाँ हम लोगों के साथ स्वागत का कार्यक्रम किया है, वो मेरे लिए हमेशा जीवन भर स्मरण रहने वाला है। यहाँ जो हमारा 4 दिनों का यहाँ का प्रवास रहा है, जिसमें संवाद कार्यक्रम हुए हैं, अनेक सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में, और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को, जिनको जानकारी नहीं थी, वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक, उत्तराखंड राज्य भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेज़ी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है, हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, हमने 27 से भी ज़्यादा ऐसे नीतियाँ हम अमल में लाए हैं
जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित होना है, उसमें आप सब लोग प्रतिभाग करें और उत्तराखंड आइए, विजिट करिए और निवेश करिए। धन्यवाद।